Let's begin with lesson industrialization. This chapter is only for school exams, not for board paper. ये सिर्फ स्कूल के पेपर में आना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बोर्ड के पेपर्स में लेसन नहीं आना. इज इट क्लियर? तो वी विल डू दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. ठीक है, एमसीक्यू के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू डू थोरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. एंड दिस चैप्टर बिगिंस विद, आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक. दिस चैप्टर बिगिंस विद एक, ये देखो, डॉन ऑफ सेंचुरी, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. Here you can see dawn of century, the beginning of this chapter. Who published dawn of century? So name of the person is E.T. Paul. Who published dawn of century? E.T. Paul published dawn of century. ठीक, ये chapter की beginning है. And next is, what do you mean by Orient? Orient का meaning, Orient means countries to the east of the Mediterranean. Countries to the east of Mediterranean Sea, referring to Asia. Countries to the east of Mediterranean Sea. What do you mean by Orient? Countries to the east of Mediterranean Sea, referring to Asia. Which continent referred here? Asia. और किस साइड है ये countries? To the east of Mediterranean Sea. Next, you can see a pic on the next page. Two magicians pic दी हुई है, देखो next page पे two magicians. अब इसमें क्या दिया हुआ है, दिस पिक शोज टू मैजिशियंस. वन एट द टॉप इज अलादीन. टू मैजिशियंस हैं, वन एट द टॉप इज अलादीन. ये कौन है, किसको दिखाया हुआ है, अलादीन. यू कैन सी टू मैजिशियंस इन द पिक दैट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. एंड जो टॉप पे दिखाया हुआ है ना मैजिशियन, कौन है वो, अलादीन. अब अलादीन क्या कर रहा है, अलादीन फ्रॉम ओरिएंट, अलादीन फ्रॉम ओरिएंट. एंड हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिक लैम्प. इसने मैजिक लैम्प से अपना पैलेस बनाया. अलादीन को टॉप पे दिखाया उन्होंने. टू मैजिशियंस आर शोन इन द नेक्स्ट पिक. अलादीन जो कि एक लैम्प से एक पैलेस बना रहा है, क्योंकि वो मैजिशियन है ना. अब नेक्स्ट जो है ना, बॉटम पे दिखाया हुआ है मॉडर्न मैकेनिक. ये मैकेनिक दिखा हुआ है उसी पिक में. दो मैजिशियंस हैं, वन इज अलादीन, सेकंड इज मॉडर्न मैकेनिक. अब वो मैकेनिक क्या कर रहा है, हु विद हिज मॉडर्न टूल्स, हु विद हिज मॉडर्न टूल्स बिल्ट ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. अलादीन रिप्रेजेंटेड ईस्ट एंड द पास्ट, ईस्ट एंड द पास्ट. एंड मैकेनिक स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड मॉडर्न. अलादीन ईस्ट एंड पास्ट, जो मैकेनिक है वो वेस्ट एंड मॉडर्न. वो अपने टूल्स से बना रहा है बिल्डिंग सब कुछ. अलादीन विद हिज मैजिक लैम्प. टू मैजिशियंस आर शोन इन द पिक. एक अलादीन है और एक कौन है, एक मॉडर्न मैजिशियन है. अलादीन क्या दिखा रहा है, वो क्या बनाया उसने विद हिज मैजिकल लैम्प पैलेस. और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अलादीन, ओरिएंट, ओरिएंट एंड द ईस्ट. यू हैव टू लर्न, ये वन मार्क में पूछा जा सकता है, ओरिएंट एंड ईस्ट एंड पास्ट. पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अलादीन. मॉडर्न एंड वेस्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मॉडर्न मैकेनिक है, मॉडर्न मैकेनिक. उसने क्या बनाया, विद हिज टूल्स ही बिल्ट बिल्डिंग ब्रिजेस, रोड, शिप्स एक्सेट्रा. विद टूल्स, उसने टूल से बनाया. वेयर एज अलादीन विद मैजिकल लैम्प. तो कौन वेस्ट एंड पास्ट दिखा रहा है, हु इज शोइंग ईस्ट एंड पास्ट, अलादीन. हु इज शोइंग वेस्ट एंड मॉडर्न, मॉडर्न मैकेनिक. ओरिएंट का मीनिंग आना चाहिए, ठीक है.
तो नेक्स्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ द चैप्टर इज व्हाट यू मीन बाय, ये सब आपको लर्न करने हैं. टू मैजिशियंस पिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्रोटो मीन्स प्री, प्री प्रोटो मीन्स प्री पीरियड बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो मीन्स प्री, प्रोटो मीन्स प्री. And what do you mean by proto-industrialization? Period before the coming of industrialization is called proto-industrialization. Period before the coming of industrialization is called proto-industrialization. Next, इसी पेज पे वर्ड है guilds. Traders की guilds होती थी. What do you mean by guilds? Guilds. Association of Traders, Association of Traders known as guilds. What do you mean by guilds? Association of Traders is known as guilds. Proto means pre, period before the coming of industrialization. Guild, guilds means Association of Traders, Association of Traders. Next, in this chapter, you will read about four stages covered by merchants. Merchants, कैसी कैसी stages cover करते थे? First of all, clothier merchant जो होते थे वो किसके पास जाते थे? Stapler. Stapler. अब stapler का meaning पता होना चाहिए. Stapler means person who staples wool. To staples or sorts wool according to the fiber. Person who sorts wool or staple wool according to the fiber. What do you mean by stapler? Person who sorts or staple wool according to the fiber. Fiber ke according separate karte the do. Stapler. Clothier merchant pehle kiske paas jaate the? Stapler. Then spinner, then to spinner, spinner carried then wool to spinner who spun the yarn, thread. Clothier merchant firstly kiske paas jaate the? Stapler, person who sorts wool according to the fiber. Then to spinner who spun threads, yarn, thread. Then puller. A puller कौन होते थे? Person who pulls या gather cloth. Person who gather cloth by pleading. Person who gather cloth. Person who gather cloth. You have to learn. ये सारे आपको learn करने हैं. Puller, person who gather cloth by pleating, person who gather cloth by pleating. Next is, firstly person, clothier merchant किसके पास जाते थे? Stapler. Stapler कौन होते थे? Who staple or sorts wool according to the fiber. Then किसके पास जाते थे? Spinner who spun the thread. Then to puller who gather cloth. Together cloth by pleating. Then to dyers, dyers who dye the cloth. Then to dyers who dye the cloth. Clothier merchant had 20 to 25 workers at each stage. अब एक मिनट, एक four stages मैंने बोला है. Each stage पे how many workers clothier merchant had? 20 to 25 workers. 20 and 25 के बीच उसके पास workers होते थे. Means one clothier merchant had 80 to 100 workers. एक clothier merchant के पास कितने workers होते थे? Because he covered four stages ना, तो
तो फोर स्टेजेस में उसके पास कितने वर्कर्स होते थे, हर स्टेज पे कितने होते थे, 20 to 25। अब अपने आप कर लो, 20 to 25 एट ईच स्टेज, तो पूरा उसके पास फोर स्टेजेस को देखो ना, कितने वर्कर्स वर्क अंडर अंडर द क्लोथियर मर्चेंट, हाउ मेनी वर्कर्स वर्क अंडर क्लोथियर मर्चेंट, 80 to 100 इतने वर्कर्स उनके अंडर काम करते थे क्लोथियर मर्चेंट के अंडर। तो यहाँ से एमसीक्यू कौन से बन जाने हैं, व्हाट यू मीन बाय स्टेपलर, स्पिनर, डायर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कार्डिंग, व्हाट यू मीन बाय कार्डिंग, CARDING, कार्डिंग, कार्डिंग का भी मीनिंग पूछा जा सकता है, कार्डिंग, व्हाट डू मीन बाय कार्डिंग, कार्डिंग का मीनिंग अ पर्सन, सॉरी, व्हाट डू मीन बाय कार्डिंग, अ प्रोसेस इन विच फाइबर, अ प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन, वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, अ प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन एंड वूल आर प्रिपेयर्ड बिफोर स्पिनिंग, a process in which cotton and wool are prepared before spinning, carding. So one clothier merchant had how many workers at each stage, 20 to 25 in the whole clothier merchant had 180 to 100 workers. Next, first mill, cotton mill set up in England. First cotton mill set up in England by Richard Arkwright. You have to learn the name of the person, Richard Arkwright, who set up the first cotton mill in England. Name of the person is Richard Arkwright. Who set up the first cotton mill in England? Richard Arkwright set up the first cotton mill in England. Ab England mein kya hua? Factories in England came up by 1730. Factories in England came up by, thodi si story England ki, you have to note down, factories in England came up in 1730. Factories kab bhai? 1730. In 1760, Britain was importing 2.5 million pound raw cotton. 1760 mein Britain kitni cotton import karta tha? 1760 mein 2.5 million pound raw cotton was imported by Britain. Britain itni cotton mangwata tha. 2.6 million pound raw cotton in 1760. 2.5 million pound raw cotton was imported by Britain in 1760. But in 1787, यही इंपोर्ट जो है ना वो 22 मिलियन पाउंड हो गया। In 1787, ब्रिटेन इंपोर्टेड 22 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन। मीन्स इससे क्या समझ आया, डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इन ब्रिटेन, किसकी डिमांड बढ़ गई, रॉ कॉटन की डिमांड इन ब्रिटेन इंक्रीज, डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इन ब्रिटेन इंक्रीज। ये यहां से ही समझ आ रहा है, फैक्ट्री सिस्टम फॉर सेटअप इन इंग्लैंड इन 1730। इन 1760 ब्रिटेन इंपोर्टेड रॉ कॉटन कितनी, 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन, बट इन 1787 दिस इंपोर्ट रीच टू 22 मिलियन पाउंड। कितना बढ़ गया ये व्यापार, 22 मतलब ब्रिटेन ने ज्यादा कॉटन मंगवानी शुरू कर दी। अब रीजन क्या था, व्हाई ब्रिटेन इंपोर्टेड 22 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन, वैसे बता रही हूँ कि विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड दोज इंडस्ट्रीज नीडेड रॉ कॉटन,
British had to feed their industries, and that's why they imported raw cotton to feed their industries. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी ब्रिटेन में एंड ब्रिटिश नीडेड रॉ कॉटन टू फीड देयर इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई द इंपोर्ट व्हिच वाज अर्लियर 2.5 मिलियन पाउंड नाउ रीच टू 22 मिलियन पाउंड इन 1760। ये सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड था, 1787 में कितना हो गया 22 मिलियन पाउंड। तो यहीं से क्लियर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इन ब्रिटेन इंक्रीज एंड ब्रिटिश हैड टू फीड देयर इंडस्ट्रीज, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा कॉटन मंगवानी शुरू कर दी। ठीक है, यहां से ये समझ आया। नेक्स्ट, लैंकशायर आपको लिखना है, ये नेम यू हैव टू राइट दिस नेम, जगह का नाम लैंकशायर। हाँ जी हाँ जी, शायर, यहाँ पे कॉटन मिल रहा है। ठीक है, The best cotton spinning locality in the world is the best cotton spinning locality in the world, Lancashire. Best cotton spinning locality in the world. Best cotton spinning locality in the world. Best cotton spinning locality in the world. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब क्या क्या चेंज आते गए, फर्स्ट फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन ब्रिटेन वॉज कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन ब्रिटेन। कॉटन इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्री। देन With the expansion of railways, iron and steel industry also developed. First industry to be set up was cotton industry. Then with the expansion of railway, iron and steel industry also developed. Means हम ये कह सकते हैं, first of all cotton industry, it was followed by iron and steel industry. Cotton industry number one pe set up hui, it was followed by iron and steel industry with the expansion of railways. Jab railways ki demand badi to kaun si industry develop hona shuru ho gayi, iron and steel. Iron and steel followed cotton industry first and it was followed by which industry? Iron and steel. One more question, which industry was first set up in Britain? Cotton industry. It was followed by iron and steel. ये सब MCQ बन जाने हैं, देखना आपके। Next, in 1873 Britain was exporting 77 million pound. Britain was exporting iron and steel. उसकी value क्या थी? 77 million pound. 77. Britain was exporting. It was not importing. ब्रिटेन एक्सपोर्टेड आयरन एंड स्टील, ब्रिटेन इम्पोर्टेड कॉटन। फर्क है, कॉटन वो मंगवाता था, ये वो भेजता था, उसकी अपनी कंट्री में थे आयरन एंड स्टील। ब्रिटेन एक्सपोर्टेड आयरन एंड स्टील, मैंने एक्सपोर्टेड बोला आयरन एंड स्टील, अबाउट 77 मिलियन पाउंड, डबल देन द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। डबल डबल थी वैल्यू, कॉटन इंपोर्ट करता था, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करता था। इज इट क्लियर? डबल देन द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन इंपोर्ट। ब्रिटेन ने फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेट अप इन ब्रिटेन कॉटन, इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील क्यों, किसके आने से? विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। ब्रिटेन इंपोर्टेड 77 million exported, 77 million pound iron and steel, double than its cotton import. 77 million pound iron and steel Britain exported bola maine, theek hai, double than the value of its cotton export. Next is, ab only 20% people worked in new industrial units, 80% people worked in domestic units. Only in the beginning, only 20% people worked in
न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आप ऐसे कह सकते हो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ओनली 20% पीपल वर्कड इन, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी कितने लोग, ओनली 20% पीपल वर्कड इन न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 80% पीपल स्टिल वर्कड इन डोमेस्टिक यूनिट्स, 80% डोमेस्टिक यूनिट्स में ही काम करते थे। James Watt improved the steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen. Then, in 1781, ये आप 1781 का कर दो, सॉरी 1781 इसका ये है। जेम्स वट इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन ईयर 1781। देन हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन, न्यू कॉमन ने बनाया जेम्स वट में सिर्फ इंप्रूव किया। देन हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, मैथ्यू बोल्टन प्रिपेयर्ड द न्यू मॉडल। देन हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन प्रिपेयर्ड द new model of the steam engine, prepared the new model of the steam engine. James Watt improved the steam engine made by Newcomen in 1781. Then his industrialist friend Matthew Boulton prepared the new model. At the beginning of the 19th century, at the beginning of the 19th century, 321 steam engines, only 321 steam engines all over England. Sirf 321 steam engines the all over the England. How many steam engines were there in England? 321 at the beginning of the 19th century, how many steam engines were there in the England? 321. 80 worked in 321 mein se 80 worked in cotton industries, 9 in wool industries. One more questions ban jane hai. Out of 321, 80 worked in cotton industries, 9 in wool industry. 9 kis mein kaam karte the? Wool industry mein. And rest of the steam engines worked in mining canal work and iron works. Mining canal works and iron works. James Watt improved the steam engine produced by Matthew Common in 1781. His friend, industrialist friend Matthew Boulton, prepared the new model of the steam engine. At the beginning of the 19th century, there were only 321 steam engines in all over England. Out of these, 80 worked in
कॉटन इंडस्ट्रीज, नाइन इन वूल इंडस्ट्रीज, वेस्ट इन आप कह सकते हो कैनाल वर्क या फिर आयरन वर्क एंड माइनिंग। तो ये वन मार्क क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीम इंजन वर्क इन वूल इंडस्ट्रीज, हाउ मेनी वर्क इन कॉटन इंडस्ट्रीज, वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद आ जाता है आपका हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इसमें क्या है, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो इसमें ये था कि ना इंग्लैंड में जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना, दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स। नहीं करना, ये सब्जेक्टिव में आता है। रिच पीपल, सुन लो सिर्फ स्टोरी है, रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने किनको प्रेफर किया, वर्कर्स को, नॉट द मशीन। व्हाई नॉट मशीन, मशीन वर एक्सपेंसिव, रिपेयर वॉज कॉस्टली, ठीक है। पीपल हैड नो नॉलेज अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, इफ दे गॉट डैमेज बाई वर्किंग, रिपेयर वॉज वेरी कॉस्टली। सो दैट्स वाई जो मर्चेंट्स थे ना, जो प्रोड्यूसर्स थे, दे उन्होंने किनको प्रेफर किया, वर्कर्स। वाई दे प्रेफर्ड वर्कर्स नॉट मशीन, बिकॉज डिमांड ऑफ हैंड गुड्स इन इंग्लैंड वॉज मोर एज कम्पेयर टू मशीन मेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स की डिमांड ज्यादा थी, मशीन मेड गुड्स की नहीं थी, बिकॉज मशीन मेड गुड्स वर ऑफ सेम डिजाइन, उनका बेटर फिनिशिंग टच नहीं होता था। दैट्स वाई आप कहोगे कि रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स। अब जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज को प्रेफर करेंगे ना बेचने वाले, तो हैंडमेड गुड्स की डिमांड थी तो किया प्रोड्यूसर्स प्रेफर्ड वर्कर्स देन मशीन। प्रोड्यूसर्स ने किन्हें प्रेफर किया, वर्कर्स को, मशीन को प्रेफर नहीं किया। वैसे भी मैंने बताया न्यू टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सी प्रॉब्लम थी, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, हर कोई इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता था एंड सबको चलानी भी नहीं आती थी। न्यू टेक्नोलॉजी सबको, अभी लोगों को नॉलेज ही नहीं थी। और मैंने अभी पहले भी बताया ओनली 20% पीपल वर्कड इन न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रेस्ट ऑफ द पीपल स्टिल वर्कड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।